नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अलहिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। सुदर्शन राव का बाहरीन से भारत में सफल प्रत्यावर्तन। विभिन्न मंत्रालयों और बाहरीन में भारतीय दूतावास के सहयोग से एक सराहनीय सहयोगात्मक प्रयास में सुदर्शन राव पोल्लीमुरु आयु 51 काकीनाडा पूर्व गोदावरी आंध्र प्रदेश को कल GF-274-DEP बाहरीन द्वारा उत्पन्न चिकित्सा उपचार के लिए सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है। कल सुबह 10:20 पर हैदराबाद पहुँचे श्री राव, जिन्हें 6 साल पहले उच्च रक्तचाप और मधुमेह से उत्पन्न जटिलताओं के कारण जिद्दाफ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके प्रवास के दौरान एक महत्वपूर्ण ट्रेकियोस्पोनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उनकी स्वास्थ्य स्थिति और सहूलियत क्षुण्ण मुद्दे के कारण बाहरीन में एक बैंक के द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के कारण श्री राव की भारत वापसी में महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं। कल मंत्रालय के एक कर्मचारी श्री राव को एक डॉक्टर और एक नर्स सहित चिकित्सा कर्मियों के साथ एक स्ट्रेचर रोगी के रूप में बाहरीन से आंध्र प्रदेश भारत से स्थानांतरित किया गया था। उनकी सुविधा और चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाकर यात्रा को सुगम बनाया गया था। प्रवासी कानूनी सेल बाहरीन चैप्टर द्वारा और विश्व NRI परिषद, भारतीय स्थानीय अधिकारियों, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और अधिकारियों, आंध्र प्रदेश गैर निवासी तेलुगु सोसाइटी के साथ समन्वय करने में कामयाब रहे और हम सरकारी जनरल अस्पताल काकीनाडा आंध्र प्रदेश भारत में आवश्यक चिकित्सा उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करने में कामयाब रहे। GGH काकीनाडा में अध्यक्ष द्वारा एक डॉक्टर और एक सहायक की नियुक्ति की गई ताकि उन्हें हैदराबाद के हवाई अड्डे से GGH काकीनाडा तक ले जाने में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा सके। आज 25 तारीख को सुबह 5 बजे सुदर्शन राव सुरक्षित हैदराबाद पहुंच गए और काकीनाडा अस्पताल में रास्ते में ही लगभग 4 बजे वे अस्पताल पहुंच जाएंगे। सफल पर्यावर्तन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के साथ समय में सरकारी अधिकारियों और राजनयिक चैनलों के बीच प्रभावी सहयोग का परिणाम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विदेश में चिकित्सा आपत स्थिति का सामना करने वाले नागरिकों को घर वापस समय पर और आवश्यक देखभाल मिले। प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ MOI बाहरीन स्वास्थ्य मंत्रालय विशेष रूप से सलमानिया और जिद्दाफ मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों और कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ता, बाहरीन साम्राज्य में भारत के दूतावास आर्वजन अधिकारियों, EPNRTCS के उनके समय पर समर्थन और सहयोग के लिए हमारी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिन्होंने सुदर्शन राव को घर वापस लाने में मदद की। लगभग 6 वर्ष से मैं इस मामलों का अनुसरण कर रहा हूं और पिछले 6 महीने से लगातार परिवार और अधिकारियों के साथ उनके उपचार की सुविधाएं, आउटपास, मामले को हटाने आदि का काम कर रहा हूं। साथ ही सुश्री स्पंदना किशोर हमारी गवर्निंग काउंसिल के साथ सदस्य है, जिन्हें मुझे तेलुगु भाषा में संवाद करने में मदद की। जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पत्नी सत्यवाणी का नंबर है 9175693473116। उनकी लड़की बहन का नंबर है 919848462597।
उसामा बिन अहमद खलीफ अल असफूर ने बुजुर्गों की देखभाल में नवीन सामुदायिक पहलों को डिजाइन करने पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला खोली। कार्यशाला का आयोजन इब्राहिम के कानू सीनियर सोशल क्लब और रीजनल नेटवर्क फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द्वारा सह आयोजित किया गया था। कार्यशाला में बुजुर्गों की देखभाल में नवीन सामुदायिक पहलों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें प्रतियोगी को डिजाइन करना और पेशेवर उपकरणों को उपयोग करके पहले को सुसंगत बनाना शामिल है। बिजली और जल प्राधिकरण के घरों में बिजली की सुरक्षित और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक जन जागृत अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य घर पर नियमित विद्युत सुरक्षा जांच को महत्व पर जागरूकता बढ़ाना, जिसमें ग्राउंडिंग और सुरक्षा प्रणालियों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना शामिल है, जो खराबी के मामलों में बिजली काट सकता है। प्राधिकरण ने कहा कि यह जागरूक अभियान उनकी सामाजिक जिम्मेदारी पहल और उद्योग उपकरणों का उपयोग करते समय सुरक्षित प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में इजाजत मांगी कि उन्हें केजरीवाल के कुछ देर तक पूछताछ करने की इजाजत दे दी जाए, ताकि उसके बाद वो औपचारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी कर सके। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे, इसीलिए हमने केजरीवाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया था। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर सपा मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने उनको बधाई दी। अखिलेश ओम बिरला को बधाई देते इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गए। अखिलेश ने बिरला को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि जिस पद पर आप बैठे हैं उससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि यह बिना भेदभाव से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। 18वीं लोकसभा में ओम बिरला फिर से स्पीकर चुने गए। ओम बिरला बीजेपी के सीनियर नेता है, जो 70वीं लोकसभा में भी स्पीकर चुन के आए हैं। इस समय में वह निर्विरोध चुने गए हैं। एनडीए ने एक बार फिर से उनको स्पीकर के लिए चुना है। यह राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार के सदस्य है। ओम बिरला ध्वनि निमित्त से लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। विपक्ष ने उनका विरोध नहीं किया। अगर वह 5 साल तक इस पद पर रहते हैं तो वह इतिहास बन जाएगा, क्योंकि देश के इतिहास में अब तक कोई भी सांसद लगातार 2 कार्यकाल में स्पीकर नहीं रहा है। इस सप्ताह आने वाले महत्वपूर्ण अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों से पहले बुधवार को सोने की कीमत में नरमी देखी गई, जो इस साल फेडरल रिजर्व के पहले ब्याज के दर में कटौती के समय पर अधिक स्पष्टता प्रदान करता है। 0337 जीएमटी पर हाजिर सोना $2,319.95 प्रति औसत पर स्थित था। रिपोर्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सोना वायदा $2,331.30 पर स्थित रहा। हाजरी चांदी 0.1% बढ़कर $28.94 हो गई। प्लेटिनियम 0.8% चढ़कर $989.70 हो गया, जबकि प्लेटिनियम 0.5% गिरकर $943.49 हो गया। मनामा 26 जून मौसम निदेशालय ने दिन के दौरान गर्म मौसम और आज रात
आमतौर पर ठीक रहने का अनुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी दिशा में 12 से 17 नोट, दिन के दौरान कभी कभी 15 से 20 नोट तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट अंदर, 3 से 5 फीट दूर। तापमान अधिकतम 45 सेल्सियस, न्यूनतम 31 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 70%, न्यूनतम 15%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभरात्रि, सब्बा खैर।